वेलकम टू माय चैनल सफर जिंदगी का। नमस्ते फ्रेंड, तो आज सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाती क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत दौड़ धूप होती है, कोई बच्चों को स्कूल भेजना, कोई भैंस का दूध निकालना, क्योंकि अभी तक मेरे जो काम करने वाले थे प्रवासी वो आए नहीं हैं, शायद अगले महीने तक आ जाए, इसलिए सारा मैनेज मुझे करना पड़ता है। और अभी मैंने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है राजमा, और राजमा के साथ मैंने यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, ये देखो दही भल्ले। ये दाल मैंने, ये उड़द की दाल है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने सुबह ही इसको भीगना डाला था, जब मैं दूध लेने गई थी तब मैं इसको डाल के चली गई थी। ये देखो अच्छी तरह ये ना गल चुकी है, ये देखो अभी इसको पीस लेंगे और मैं बताऊँगी आपको कि मैं किस तरह से ये दही भल्ले बनाती हूँ, एकदम स्पंजी टाइप। जो भल्ले होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आज मैं पूरी रेसिपी आपको दही भल्लों की बताऊंगी और राजमा को किस तरह मैं बनाती हूँ ये बताऊंगी। ये लंच तैयार कर रही हूँ, साथ में राइस बनाऊंगी। सफाई तो ऑलरेडी मैंने कर ली है सारी, आज मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि मेरा मन नहीं था, मैं थक चुकी थी इसलिए आज मैंने ना पोछा लगाया ही नहीं। वैसे भी सफाई है, इतना गंद पड़ा ही नहीं, कल अच्छी तरह से पोछा वगैरह लगाया था। वैसे मैं डेली पोछा लगाती हूँ पर आज मैंने नहीं लगाया, साफ था सारा घर। और इधर देखिए कपड़े मैंने धोने के लिए डाले हुए हैं, साथ साथ मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ साथ मैंने सारी सफाई की और अभी लंच भी तैयार कर रही हूँ। सुबह के 1 बजे तक ना, दोपहर के 1 बजे तक बहुत ज़्यादा काम होता है। ये देखिए, अरे कान्हा जी, ये कान्हा जी वृंदावन से, मम्मी गए थे ना वृंदावन तब लेकर आए हैं, देखो कितना प्यारे हैं ना ये। और चलिए पहले अभी मैं जो दाल मैंने डाली हुई है उसको पीस लेते हैं, ये सारी दाल मैंने अच्छी तरह से मलमल कर धोई थी और अभी इसमें ये डाल दूंगी। इसका जो पानी है ना ये वाला, ये निकाल लेना है। ये बगैर पानी के ही एकदम से पिस जाती है, दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैं मिक्सी में इसको अच्छी तरह पीस लेती हूँ, यहाँ से ऑन की और इसको चला। ओ माय गॉड, देखिए मुझे लगता है ये ना शू फिर हिल चुका है। हाय राम, ये क्यों नहीं चल रही है मिक्सी, शायद मुझे लगता है ये शू है ना जो खराब हो चुका है। अभी चलो ड्राइंग रूम में इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया दाल का ना। ये मैंने हल्का सा दरदरा रखा है इसको और इसको इसमें पलट दूंगी सारी को, सारे पेस्ट इसमें निकाल दूंगी, फिर इसमें नमक जीरा वगैरह जो जो ऐड करना है वो कर लेते हैं। और इधर गाइस मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। अभी इस पेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, बस हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच, उसके बाद आधा चम्मच जीरा और एक हरी मिर्च। ये तो ऑप्शनल है कि अगर आप खाते हो तो डाल लो, नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी है, मैं डाल ही लेती हूँ क्योंकि टेस्ट हो जाता है। इसको देखिए अच्छी तरह फेंट देंगे पहले। तीन चार मिनट इसको अच्छी तरह फेंटना है इस तरह। देखिए एकदम फूल चुकी है अच्छी तरह, इसमें फ्लावर और स्पंजिस आ चुका है, देखिए स्पंज की तरह हो चुकी है ऐसे।
अब तेल यहाँ गर्म हो रहा है, अभी फैन बंद कर देती हूँ क्योंकि फैन की वजह से ना यहाँ पे गैस का अच्छी तरह से वो नहीं लग रहा था, सेक नहीं लग रहा था। तेल देखिए यहाँ पे गर्म हो चुका है, अभी इतने इतने देखिए इस हिसाब से आप बड़े छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस साइज के हाथों से ही इसको बनाऊंगी ऐसे। जब तक यहाँ पे ये भल्ले पक रहे हैं ना, तब तक मैं इसको एक बार धीरे धीरे शेर दे देती हूँ, इनको इस तरह से पलट देती हूँ, धीमी आंच में बनाए इनको। ये इसमें मैंने दही डाला है और एक गिलास पानी का डाला है। अभी इसको अभी मशीन से ना, मशीन की सहायता से मैं थोड़ा थोड़ा इसको फेंट लूँगी। ये पक चुके हैं, अभी इधर चाय रखी है क्योंकि मम्मी की ना फ्रेंड्स आए हैं बाहर, उनके लिए चाय बना रही हूँ। मुझे ना ये होता है कि मैं फटाफट से एक या दो घंटों में फटाफट किचन का काम ख़त्म करके खाना वगैरह बनाकर फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे 4 बजे आते हैं तो फिर उसके बाद फिर रूटीन शुरू हो जाता है बच्चों के पीछे, उनको थोड़ा खाना पीना उनको देना, उनको थोड़ा दिन भर का सुनना कि स्कूल में क्या हुआ क्या पढ़ाया, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मेरी आदत ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, तो मेरी इस काम से मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं उनको भी प्रॉपर टाइम दे पाऊँ, इसलिए मैं सारा काम मैनेज करके चलती हूँ। देखिए भल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम से पक चुके हैं अंदर से भी, देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। दूसरी बार मैं इनको बना रही हूँ। ये जो मैंने पानी लिया है ना, ये गुनगुना पानी लिया हुआ है मैंने, इसमें हल्का सा नमक डाला है, और उसके बाद ये जो भल्ले बनाए हुए हैं मैंने, ओ माई गॉड मेरी चाय उबल गई इधर, फिर से काम पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, ये सारे भल्ले ना मैं इस पानी में डिप कर दूंगी, ये और सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह पानी निकाल कर और फिर इस दही में डालूंगी। ये इतने सॉफ्ट बने हैं देखिए कि पानी के ऊपर ही तैर रहे हैं ये, बस इनको ना 3 या 4 मिनट के लिए इनमें डिप रहने दीजिए, उसके बाद इनका पानी निकाल कर फिर इनमें इनको दही में डाल देते हैं। तब तक इधर चाय बन गई है, चाय ने इतना ज़्यादा खलारा डाल दिया फ्रेंड्स देखिए। चलो कोई बात नहीं, अभी एक मिर्च और ये कुछ पत्तियां हैं पुदीने की, इनको मैं अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर इसको दही में डालूंगी। हरा धनिया हो, अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास इस टाइम नहीं है। पुदीने की जो पत्तियां ऐड करते हैं ना, तो दही का टेस्ट और ज्यादा दही भल्लों का हो जाता है। अब कुछ मत ऐड करिए, बस जीरा मसाला और ये पुदीना और हरी मिर्च, देखिए इसका टेस्ट कितना अच्छा। चाय बन चुकी है और मैं मम्मी की फ्रेंड्स को ये चखवाऊंगी ये कैसे बने हैं। चलो इनको देते हैं। अभी जिस तेल में मैंने भल्ले फ्राई किए थे और तेल थोड़ा सा निकाल लेंगे, इसी में मैं अभी राजमा को तड़का लगा दूंगी।
इधर मैंने वो तेल निकाल लिया है जिसमें मैंने भल्ले फ्राई किए थे, और यहाँ अभी मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च प्याज का पेस्ट बना रही हूँ तड़का लगाने के लिए। भल्ले इधर बनकर रेडी हो चुके हैं, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि भल्ले कितने अच्छे बने हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम सॉफ्ट भल्ले, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं आपको राजमा का तड़का बता नहीं पाया कि राजमा किस तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि मेरी ना गाय वहाँ पर सू पड़ी है, उसने पता नहीं क्या दिया, अभी जाकर देखते हैं। तो इनका फ़ोन आया था कि जल्दी से शॉप पर आओ, तो मैं और मम्मी जी अभी जा रहे हैं शॉप पर। आज की वीडियो यहीं तक थी, तो अभी मैं शॉप पर आ गई हूँ और अभी जाऊँगी मैं अपनी गाय को देखने कि उसने क्या दिया है, बछड़ा या बच्ची। तो बाकी की वीडियो आपको कल बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।